तो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। इस बार मैं बना रहा हूँ मदारा को। तो गाइस, मदारा की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इमोशनल है, जिसमें भाई ये ऐसा बंदा है जो इसने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो इसका कैरेक्टर मेरे को इतना अच्छा लगा, कुछ कहानी मैं आपको इसकी शेयर कर देता हूँ कि ये ऐसा बंदा था कि इसने अपने भाइयों को भी खो दिया था और ऐसे क्लैन से जुड़ा हुआ था कि भाई जहाँ पे जैसे ही बंदे को तलवार चलानी आई वो उसको सीधा सीधा फौज में भेज देते थे। तो ऐसे ही करते करते जो है इसको एक बंदा मिला, हाशिराम है ना, जो इसका दोस्त बन गया। दोनों ने एक दूसरे से पहचान छुपा के रखी थी। ये इनको ही पता होगा कि भाई क्यों ऐसा है ना। तो अभी क्या होता है कि अब दोनों क्लैन वालों को इनको पता लग जाता है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो वो जो क्या करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही मारने के लिए भेज देते हैं। अब तो अब हाशिरामा और मदारा, उन दोनों के बीच में ये था कि अब वो चाहे अपनी फैमिली को चुने या फिर जो है अपने दोस्ती को। तो मदारा जो होता है जो अपनी फैमिली को चुनता है। इस वजह से क्या होता है कि अब उन दोनों में लड़ाई होती है। तो अब वो मदारा जो है जब उससे लड़ता है तो पहली बार जो है शारिंगान उसका ऑन होता है, मगर उसके बावजूद भी जो है ना मदारा हाशिरामा को हरा नहीं पाता। तो कुछ यही कहानी है इसकी। और मदारा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसके बावजूद भी वो उसको हरा नहीं पाता। तो बस यही कहानी है ना। तो नरूटो को मतलब इस नरूटो देखो यार, ऐसी खतरनाक स्टोरी है ना कि अगर एक बार आपने देख लिया तो मजे ही आ जाएगा। इसलिए मैंने इस कैरेक्टर को चुना, काफी ज्यादा फेमस है और मुझे भी काफी अच्छा लगा। तो जो जो कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगता है मैं इसको बनाता हूँ, है ना, आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर दिया। मैं सर्कल से हमेशा स्टार्ट करता हूँ, सर्कल से मैंने स्टार्ट किया। अभी मैं इसके हेयर बना रहा हूँ। तो हेयर को देखो आप क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार में लंबे स्ट्रोक मार रहा हूँ। तो कोशिश करा करो जब भी आप हेयर बनाओ ना, तो आउटलाइन जैसे होता है ना, जैसे मैं आउटलाइन लिखता कि आउटलाइन है ये, तो मैं आउटलाइन बना रहा हूँ लंबे लंबे स्ट्रोक के साथ। तो जितने लंबे स्ट्रोक मारोगे हेयर में उतना बढ़िया मजा आएगा देखने में उसको। तो मैं इसके जो है अभी इसने जो कवच पहन रखा है ऊपर वो बना रहा हूँ मैं। तो हमेशा गाइज ड्राइंग में ध्यान रखा करो कि अपने स्ट्रोक ना तोड़ तोड़ के बजाय लंबे लंबे स्ट्रोक मारो। होता है ना कि एक जो कट आता है उस तलक अपना पूरी स्ट्रोक लेके चले जाओ, फिर उस कट से हल्का सा कट देके देन फिर एक लंबा स्ट्रोक मारो। अभी देखो मैं हेयर भी उस तरीके कर रहा हूँ। देखो एक लंबा स्ट्रोक, फिर लंबा सा स्ट्रोक, हल्का सा जहाँ पे मेरे को मोड़ना है, अब फिर लंबा स्ट्रोक, ऐसे करके आपको करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस जितने लंबे स्ट्रोक मारोगे उससे क्या होता है कि ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप होता है, और इससे जो है ना आप गलतियाँ सोचते हो ना कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो जब कॉन्फिडेंस हो जाता है ना तो गलतियाँ नहीं होती थी। तो लंबे लंबे स्ट्रोक मारो, आपकी गलतियाँ भी नहीं होंगी इसके अंदर। ये देखो मैं कैसे लंबे लंबे स्ट्रोक मार रहा हूँ, है ना, तोड़ तोड़ के नहीं, लंबे लंबे स्ट्रोक। तो अभी मैंने वीडियो फास्ट कर दिए, मैं अभी थोड़ी हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ताकि ये अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो वैसे हाईलाइट होता है ना कि कहीं कहीं पर अच्छा लगता है, हमेशा हर जगह हाईलाइट अच्छा ही लगता, वही है। तो गाइज इसको मतलब डार्कनेस कर रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखा करो कि गाइज कभी भी अगर डार्कनेस करो तो हमेशा हर कहीं भी नहीं होना चाहिए कि कहीं भी मार दिया आपने डार्क, हिसाब से मारना ताकि आइडिया। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसमें इसके कवच पे मैंने लाइनें मार दी इसके फेस में भी शेडो करने के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वहीं मार रहा हूँ ऑपोजिट साइड में। मान लो अभी जो इसकी जो लाइट पड़ रही है ना वो राइट साइड से पड़ रही है, इस वजह से हमेशा लेफ्ट साइड में जो है डार्कनेस होगी। जैसा देखो अभी हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। तो यही सोच के आपको ध्यान में रखना है कि भाई मेरे को जो शेडो करनी है वो ऑपोजिट साइड में करनी है लाइट के, तो आपकी शेडिंग अच्छी होगी। तो गाइज ये आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना तो गाइज सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। अगर सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है ना। मैं तो बार बार खोल के देखता हूँ कि यार आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही वीडियो, तो वैसे ही सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और उसको कोशिश करूँगा, अगर आप चाहो ना तो मैं एक ट्यूटोरियल भी बना सकता हूँ इसका, जो बहुत ईजी रहेगा। अभी तो खैर मैं ज़्यादातर बना के दिखा रहा हूँ, साथ में बता भी रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ, मगर उस टाइम क्या होगा मैं आपको ट्यूटोरियल की तरह ही बना के दिखाऊंगा। तो ऑलमोस्ट ये बन गया है। तो गाइज फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि लाइक सब्सक्राइब और घंटा दबा दें।